Good morning students. So today we will see English chapter number 10. In that, on page number 87B, read these sentences and fill in the blanks with adjectives that have similar meanings. Okay, अब आपको इसमें क्या करना है, आपको एडजेक्टिव्स दिए हैं, जैसे कि इसमें देखो बिग, तो बिग का सेम जो मीनिंग होता है, बिग यानी कि बड़ा, तो और बड़े मतलब कि बड़ा है, तो उसको दूसरे और कौन से वर्ड से हम कहेंगे, तो वो हमें लिखना है. तो फर्स्ट है, माय टीचर सेड डायनासोर्स वेर बिग एनिमल्स. मेरे टीचर ने बोला कि डायनासोर बहुत बड़े एनिमल्स है. डायनासोर्स वेर डैश एनिमल, ह्यूज एनिमल्स, तो ह्यूज यानी कि बड़ा, सेम बिग मतलब भी बड़ा और ह्यूज मतलब भी बड़ा, तो आप समझ में आया, आपको इसमें सेम वर्ड्स जिसका मीनिंग सेम होता हो वैसे वर्ड्स लिखने हैं. सेकेंड, इट इज़ वेरी वॉर्म टूडे, आज बहुत गर्म दिन है, आज के दिन में बहुत गर्मी है, तो इट इज़ हॉट टूडे, हॉट यानी कि भी गर्म, तो सेम आया, वॉर्म मतलब कि गर्म और हॉट मतलब भी गर्म. थर्ड, माई ग्रैंड मदर कुक्स डिलीशियस फूड, माई ग्रैंड मदर कुक्स टेस्टी फूड, तो मेरी जो ग्रैंड मदर है वो एकदम अच्छा सा टेस्टी यानी कि मस्त फूड बनाती है, तो डिलीशियस का मतलब भी अच्छा फूड और टेस्टी का मतलब भी सेम हुआ, तो डिलीशियस का सेम मीनिंग क्या होगा, टेस्टी. फोर्थ, आंट्स आर वेरी स्मॉल क्रीचर्स, आंट्स आर टाइनी क्रीचर्स, जो आंट्स होती है वो कितनी छोटी छोटी होती है ना, तो उसको स्मॉल, स्मॉल को क्या कहेंगे, छोटा, और टाइनी को भी क्या कहेंगे, छोटा. फिफ्थ, प्रिया इज अ गुड गर्ल, शी लिसन टू हर पेरेंट्स, प्रिया इज एन ओबीडियंट गर्ल. अब गुड मतलब कि बहुत अच्छी है, और ओबीडियंट यानी कि उसका भी मतलब क्या होता है, अच्छी है, वो सर उसके मम्मी पापा की बात सुनती है, वो जैसा करे वैसा करती है वो, ठीक है, तो इसमें भी गुड यानी कि ओबीडियंट. शी लुक्ड ब्यूटीफुल इन द पिंक ड्रेस, ब्यूटीफुल यानी कि बहुत सुंदर, और प्रीटी यानी कि बहुत सुंदर, दोनों का मतलब तो सेम ही हुआ ना, समझ में आया. अगेन बिग, तो उसका दूसरा वर्ड कौन सा होगा, ह्यूज, वॉर्म, तो उसको दूसरे वर्ड में क्या कहेंगे, हॉट, डिलीशियस, टेस्टी, स्मॉल को हम टाइनी भी बोल सकते हैं, गुड को ओबीडियंट कह सकते हैं दूसरे वर्ड में, और ब्यूटीफुल को प्रीटी, ठीक है, समझ में आया. ओके, नेक्स्ट है, टू कंपेयर थिंग्स वी यूज एडजेक्टिव्स, हमें अगर कुछ कंपेयर करना हो तो हम कुछ एडजेक्टिव्स यूज करेंगे. फिर टू कंपेयर टू थिंग्स वी यूज कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स, फिर हमें दो चीज़, कोई भी दो चीज़ को कंपेयर करना हो तो हम क्या करेंगे, कंपेरेटिव एडजेक्टिव लगाएंगे, जैसे कि आई एम बिगर देन आंट, तो इधर किससे कंपेयर हो रहा है, आंट से, ठीक है, आई एम स्मॉलर देन जम्बो, और आंट का किससे कंपेयर हो रहा है, जम्बो से हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स. फिर टू कंपेयर मोर देन टू थिंग्स वी यूज सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, अब दो से ज़्यादा चीज़ों को अगर हमें कंपेयर करना है तो हमें सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स लेंगे. ओके, तो फर्स्ट है, सुनीता इज टॉल, सना इज टॉलर, रेशमा इज द टॉलेस्ट, तो ये क्या हुए, सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स हुए. हमने कितने लोगों को कंपेयर किया, तीन लोगों को. ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडजेक्टिव्स, कंपेरेटिव्स और सुपरलेटिव्स. फर्स्ट, रमैया इज डैश देन रंजीत, अब यहाँ कितने लोगों की बात हो रही है, दो,
तो क्या आएगा टोल टोलर या टोलेस, तो क्या आएगा टोलर। रमैया इज टोलर देन रंजीत। सेकेंड, टुडे इज द डेस्ट डे ऑफ द सीजन। पूरे सीजन की बात हो रही है पूरे, तो यहाँ क्या आएगा कोल्ड कोल्डर या कोल्डेस्ट कोल्डेस्ट। टुडे इज द कोल्डेस्ट डे ऑफ द सीजन, पूरी सीजन की बात हो रही है इसीलिए। थर्ड, नीना इज अ डैश गर्ल, तो यहाँ कोई एक ही है, एक ही नीना की ही बात हुई है, तो क्या आएगा नोटी नोटियर की नोटियस नोटी, सिर्फ एग्जेक्टिव आएगा कि एक ही बात हुई है, एक पर्सन की बात हुई है। फोर्थ, गीता इज डैश संगीता इज डैश बट रानी इज डैश ऑफ थ्री। अब यहाँ तीन लोगों की बात हुई है, तो क्लेवरेस्ट क्लेवरर या क्लेवर, तो यहाँ क्या आएगा पहले पहले गीता की बात हो रही है, तो क्या आएगा गीता इज क्लेवर, फिर संगीता की बात हुई संगीता इज डैश, फिर संगीता क्लेवरर है, बट रानी इज डैश ऑफ थ्री, फिर तीनों में से रानी सबसे क्लेवरेस्ट है, गीता क्लेवर है, फिर क्लेवर होशियार है, फिर संगीता ज़्यादा होशियार है, लेकिन रानी जो है वो सबसे ज़्यादा होशियार है। समझ में आया, यानी कि ये क्या हुआ सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। फिफ्थ, सोमिल इज एस डैश एस अंकुश। अब यहाँ दो लोगों की तो बात हुई है, लेकिन सेम वो सोमिल इज एज लेजी एज अंकुश, जितना अंकुश लेजी है उतना ही सोमिल ही लेजी है, सेम। ठीक है, समझ में आया। अगर हमें सिर्फ एक पर्सन की बात होती है तो सिर्फ एडजेक्टिव लगाएंगे, अगर दो की बात होती है तो कंपेरेटिव एडजेक्टिव, और अगर तीन दो से ज़्यादा लोगों की बात होती है तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट, अब यहाँ आपको वर्ड्स दिए हैं क्लॉक में, सडनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इमीडिएटली अर्ली सून इन टाइम लेट। अब बाजू में हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए, अब हमें जो इसमें से वर्ड मैच हो गए इसके साथ वो लगाने हैं। तो फर्स्ट है ही रीच्ड जस्ट डैश फॉर द एग्जाम इन टाइम, जब एग्जाम शुरू होने वाली थी तब भी वो आ गया, मतलब इन टाइम। सेकेंड, गो टू द डॉक्टर डैश इमीडिएटली, अभी के अभी तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। थर्ड, यू आर डैश फॉर द फंक्शन, यू मे वेट फॉर द अदर्स टू कम, यू आर अर्ली, तुम बहुत जल्दी आ गए हो फंक्शन में, तुम्हें वेट करना पड़ेगा अदर दूसरे लोगों को आने के लिए। फोर्थ, डैश द ट्रेन केम टू अ होल्ट सडनली, और अचानक से जो ट्रेन थी वो होल्ट पे आ गई, स्टेशन पे आ गई। लीव डैश और यू मे बी डैश, लीव सून जल्दी निकलो वरना तुम लेट हो जाओगे। रीना कुड नॉट रिकग्नाइज रोहन एज सी शो हिम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जो रीना है वो रोहन को पहचान नहीं पाई, क्यों, क्योंकि उसने बहुत सालों के बाद उसको देखा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। समझ में आया, यहाँ जो वर्ड्स थे वो यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में हमें लिखने हैं, लेकिन इसमें लाइन वाइज दिया है वैसे नहीं, इसमें जो मैच होते हैं वैसे। अगेन, ही रीच जस्ट इन टाइम फॉर द एग्जाम, गो टू द डॉक्टर इमीडिएटली, यू आर अर्ली फॉर द फंक्शन, यू मे वेट फॉर द अदर्स टू कम। फोर्थ, सडनली द ट्रेन केम टू द होल्ट। फिफ्थ, लीव सून और यू मे बी लेट। सिक्स, रीना कुड नॉट रिकग्नाइज रोहन एज सी वॉज शो हिम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ओके, नेक्स्ट, रीराइट दिस सेंटेंसिंग यूजिंग फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स। अब हमें ये वर्ड्स को रीराइट यानी कि फिर से लिखने हैं, हमें क्या यूज़ करना है, या तो फुल स्टॉप आए तो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हो वहाँ क्वेश्चन मार्क, और कैपिटल लेटर्स में।
तो फर्स्ट है रोहन, रोहन इज टॉकिंग ऑन द फोन, रोहन फोन पे बात कर रहा है। तो अब फर्स्ट लेटर आएगा कैपिटल, रोहन इज टॉकिंग ऑन द फोन, और लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस है, किसी को हम पूछ नहीं रहे, इसलिए कि रोहन फोन पे बात कर रहा है। सेकेंड है वेयर इज विजय गोइंग, विजय कहाँ जा रहा है। तो फर्स्ट लेटर क्या आएगा कैपिटल, वेयर इज विजय गोइंग, और लास्ट में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि हम पूछ रहे हैं कि विजय कहाँ जा रहा है, इसीलिए। ओके, आई होप यू ऑल आर क्लियर, थैंक यू।